क्या आप भी अपनी टिकी में अपने फोटो को चेंज करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने टिकी अकाउंट में मतलब टिकी आईडी में अपने फोटो को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे कैसे एडिट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, अपने मोबाइल पर है और यहाँ पर देखिए हम टिकी एप्लीकेशन की जो फोटोज है उसे हम चेंज करने वाले हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने टिकी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे टिकी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कोई इस तरीके से वीडियो प्ले होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे कॉर्नर पर आना है। यहाँ देखिए आपको नीचे एक प्रोफाइल लोगो आइकन मिलता है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल होगी देखिए ओपन हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो आपको चेंज करना है। तो फोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे देखिए फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जब सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फोटो को चेंज करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप इस तरीके से फोटो को चेंज नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको फोटो चेंज करनी है। यहाँ पर देखिए आपको एडिट ऑप्शन मिलता है, सिंपली एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर चेंज अवतार पर, यहाँ पर चेंज फोटो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से चाहे तो अपने अवतार को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना चूज एल्बम पर क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को आप एक्सेस डिवाइस को एक्सेस देंगे, अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए डिवाइस में तो अलाउ कर देनी है ताकि वो फोटो को अपनी गैलरी से चूज कर सकें। यहाँ पर फोटो गैलरी पर हम क्लिक करेंगे, अब हमारी गैलरी जो है वो यहाँ देखिए ओपन हो जाएगी। गैलरी को ओपन होने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ से फोटो को चूज करना चाहते हैं सिंपली क्लिक करेंगे। चलिए हम ये सिंपल एक वॉलपेपर है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये इसे मैं सेट करना चाहता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप इसके फ्रेम को जूम भी कर सकते हैं, इस तरीके से फोटो को जितना भी पार्ट क्रॉप करना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फोटो के पार्ट को क्रॉप कट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन सेविंग होगा और यहाँ पर देखिए डन हो जाएगा। देखिए आपको राइट देखने को मिल रहा है ऑप्शन, बैक करेंगे और अभी देखिए जो हमारी फोटो है यहाँ पर सेव हो चुकी है। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपने टिकी एप्लीकेशन में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं, मतलब उसे चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ पर दूसरी फोटो लगा सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।